सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पैलाक और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बुरा भरकटिया पिथौरागढ़ से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल दुसाठा व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। और अभी का जो टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है टाइम 8:30 सुबह के, और आज का जो मौसम है काफी अच्छा हो रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे धूप निकल गई है पूरी, ये आज तो अंदर ही आ गई धूप। तो मौसम दिखाते हैं आपको, साथ ही साथ में नीचे जाते हैं, झाड़ू पोछा और नहाना धोना तो हमारा हो चुका है, ब्रेकफास्ट बनाना और नीचे का जो बरामदे का पोछा होता है वो लगाना और बर्तन धोने बचे हैं, तो नीचे ही मिलते हैं मौसम दिखाने के साथ साथ। पत्ता भी आ गया है। जो ये ब्रह्म कमल का पेड़ है ना, इसमें एक बार मैं बोली थी फूल आ रहा है, तो वो फूल ही था, लेकिन सीजन नहीं था ना उस टाइम पे। सितंबर के टाइम पे ब्रह्म कमल के फूल जो है खिलते नहीं है, इसलिए वो फूल ऐसे ही सूख गया था। अब उसमें आ रहा है पत्ता, क्योंकि वो फूल का जो होता है ना गुफा टाइप का कहते हैं, तो वही था। और ये पत्ता थोड़ा अलग आ रहा है, अब ये पत्ता भी धीरे धीरे बड़ा होने लग गया है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट ईयर आएगा फूल हमारे इसमें, तब तक इसमें 9-10 पत्ते आ ही जाएंगे शायद, या 6-7 पत्ते तो तब तक आ ही जाएंगे। तो मैं आ गई हूँ नीचे और किचन में पहुँच गई। अब फटाफट से रोटियाँ बना लेते हैं। मम्मी नहाने गई हैं, पापा जी और अमित खरगोशों के खेल लगे हैं, खरगोशों को देख रहे हैं मतलब, तो उनसे आपको मिलाएंगे थोड़ी देर में। पहले फटाफट से ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। पापा जी जा रहे हैं कैंटीन, कल हम घूमने गए थे, आज पापा जी की बारी है। है ना, ना। जाओ जाओ दिल्ली घूमने। हमारा सुबह का सारा काम हो चुका है और पापा जी भी कैंटीन चले गए हैं, क्योंकि कल अमित मैं और मम्मी गए थे घूमने के लिए, तभी मैं पापा जी से कह रही थी कि आज आपकी बारी है घूमने की, वो चले गए कैंटीन को। और आज शायद हमारे जो आगे का खेत था ना थोड़ा सा बचा हुआ, जहाँ पे बैगन के पेड़ ये मिर्च के पेड़ थे वो खोदा नहीं था, प्याज लगाने वाले हैं वहाँ पे। अगर प्याज की बिन्नी मिल जाएगी, बिन्नी क्या मतलब प्याज के पौधे मिल जाएंगे, तो तब हम वो लगाने वाले हैं। और आज मम्मी खेत कह रही थी थोड़ा साफ करूंगी करके, और अब चलते हैं ऊपर। थोड़ा कमरे में ना रजाई वगैरह फोल्ड कुछ भी नहीं कर रखी है मैंने, तो वो फोल्ड भी कर लेती हूँ। किचन तो पूरा साफ हो चुका है, मम्मी का एक काम बचा है। मम्मी लगा रही है बाहर पे पोछा, मैं बर्तन धोती, हमारा ऐसा होता है एक बर्तन धोता है तो एक पोछा लगाता है बाहर का। मम्मी लगा रही है यहाँ पे पोछा और ये रहे हमारे फूल, सूखने लग गया बेबी ना। एक बार बहुत हो जाएगा, कितने दिन हो गए। हाँ रॉकी आज बहुत ज्यादा उदास हो रखा है। रॉकी ले, क्यों है उदास? फिर से गाय आ गई है खेतों में चढ़ने के लिए, ब्राउन ब्राउन कलर की आ रखी है, सारी ब्लैक दो तीन ही है बस। मम्मी खेत तो खोद नहीं रही है, मैं वो करती हूँ रील बना लेती हूँ दो तीन। और मेरा जो वो था ना रिंग लाइट थी ना वो टूट गई, क्योंकि मेरे से ना पोछा लगाते टाइम ऐसा था जो पोछे का डंडा था ना उससे ऐसे धक्का लग गया, तो ये गिर गई और फिर टूट गई। मैंने ऐसे जब मतलब थोड़ा आइडिया लगा के इसको अटका रखा है, लेकिन अब जो इसमें से लाइट वाइट आती थी ना, तो तभी आजकल मैं कभी भी सोचती हूँ कि शाम को मैं क्वेश्चन आंसर मतलब लोगों के जो कमेंट होते हैं ना उनका रिप्लाई दूँ, तो मैं वो दे ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि शाम को ना अजीब सा चढ़ सा हो जाता है, दिख नहीं पाता अच्छे से। तभी अब रिंग लाइट का देखेंगे, ऑफलाइन लूँगी, ऑनलाइन तो ठीक थी पर लेकिन थोड़ा होता है ना कि हम उसको अच्छे से देख नहीं पाते हैं कैसी लेनी है क्या लेनी है। फिर मैंने उस टाइम वापस नहीं करी, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी स्टैंड की सब चीज़ की, और ये बहुत दिनों बाद आया था। तभी अब मैं रील बनाने के लिए तैयार होती हूँ, जो मेरा नया पिछौड़ा है, फटाफट से बनाती हूँ 2-3 रील उसके बाद, क्योंकि इंस्टाग्राम में भी मुझे मेहनत करनी है। अगर दोनों जगह मतलब दोनों जगह से इनकम आएगी मेरी, तभी मेरे जो पैसे हैं ख़त्म हुए अकाउंट में वो दोबारा से वापस आएंगे मेरे अकाउंट में। और अगले महीने मैंने सोचा है कि अपने पति देव के लिए भी कुछ लूँगी, उनके लिए कभी कभार मतलब एक दो चीज़ तो लेनी चाहिए ही, और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं, तो सोचा है उनके लिए कुछ लूँगी उस टाइम पे, दोनों के लिए सेम सेम। तो फटाफट से रील बनाने के लिए तैयार होती हूँ और उसके बाद मिलते हैं आपसे। रील तो मेरी बन गई है और फटाफट से कपड़े चेंज करते हैं और आपको सीधे नीचे मिलूँगी अपनी फैमिली के साथ।
मम्मी ने खेत की वो मतलब घास छान दी है और आजकल अमित कामदार बने हैं। शाबाश। वही तो, कभी पानी डाल रहा है आजकल अमित, कभी खुदाई। हाँ, सद्बुद्धि आ गई छह महीने में, उससे पहले का मुझे नहीं पता। पापा कहाँ गए? आगे अमित, हाँ शादी का समय नजदीक आ रहा है, इसलिए अमित अब मेहनती हो गए हैं। पापा जी आज भी अमित का काम देखने के लिए आ गए हैं कैंटीन से। पापा बोले कैंटीन का काम छोड़ के अमित का ये काम देखने आया हूँ। रॉकी बस पापा जी को अच्छा मानता है। और रॉकी मसाज करो बोल रहा है, मसाज। आग में नहीं बैठना है, उधर को बैठ गया। पापा जी ने ना अमित का नाम लुईस रखा है, लुई फुई है, लुई हो जाओ फुई। अब तुम्हारा नाम वो करती हूँ, पहले मैंने तुम्हारा नाम हड्डी पहलवान रखा था, अब लुई करके वो करते तुम्हारा नाम फेमस। खेत खोद के कैसा फील हो रहा है? बढ़िया। आज से हमेशा खोदूंगा ना कहो अब है, आज से कभी नहीं खोदूंगा। हाँ गुड शाबाश। आज फिर से पापा जी और अमित करने वाले हैं कुकिंग, क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ चिकन, तो मैं बनाती भी नहीं हूँ ये, और अमित पापा जी अमित और मम्मी खाते हैं। अब सराज और नवरात्रि भी खत्म हुए हैं, तो प्लीज कोई कमेंट मत करना कि ताई भी आ गई काम करके। हाँ पिनालू उखाड़ के आ गई ताई। बुबू ओ बुबू हेलो तो कहो, फेमस कर दिया मैंने आपको। बुबू की बेकरी है यहाँ बरकट्टा में, ले जाना बुबू के यहाँ से केक सारे ना। होम डिलीवरी भी करते हो? ये बुबू इतने दिन से मेरे ब्लॉग में आ रहे हैं, इनको मेरा नाम तक नहीं पता है। फुटबॉल में आजकल वो सेमीफाइनल था, फाइनल में पहुंचे हैं। अरे पीटी वाले वो तो सपोर्टिव थे। हाँ परसों तो थे बुबू यहाँ पे, सेमीफाइनल जीत गया करके नहीं कहते बधाई हो करके, फाइनल वो तो जीत गया ना। अब फाइनल में पहुंचे ना, फुटबॉल के फाइनल में पहुंचे। अब वो होगा 30 तारीख को। मम्मी ने इतने सारे गड्ढेरे निकाल दिए आज। हाँ फिर और बधाई देना आना, खरीद देना तो। लुई फुई आज बड़े कामदार हो रहे हो तुम। थोड़े दिन है काम आम करके जाता हूँ। अरे वो हाँ रॉकी की मसाज हो रही है यहाँ पे। फ्री की मसाज हो रही है तभी। तो रेस्ट वगैरह करके मैं उठ गई थी और चाय बनाने का टाइम हो गया था, चाय रख दी है, थोड़ी देर में चाय भी बनने ही वाली है, फिर उसके बाद चाय लेके जाते हैं बाहर। रात के खाने की तैयारी मेरी शुरू हो चुकी है और शाम को ही काट दी थी गोभी, क्योंकि गोभी में कीड़े होते हैं ना,
सारा आपको दिख नहीं पाते हैं, तभी हमने दिन में काटी थी। अब आलू और गोभी की सब्जी बनानी है, प्याज टमाटर वाली। रात का खाना हमारा हो चुका है और साथ ही साथ मेरी मेहंदी डिजाइन की प्रैक्टिस भी हो चुकी है। इसमें कल वाले डिजाइन भी है, ये मोर वगैरह। आज मैंने सिंपल से नहीं, मैंने गलती से ना एक इसमें डिजाइन बना दिया था, फिर मुझे याद नहीं रही और पेज पलटने में ना ये दूसरे साइड इसका छाप पड़ जा रहा था और पूरी घिचपिच हो जा रही थी। तो तभी मैंने इसी पेज में साइड साइड से बना रखा है। मैंने कहा चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, अब दूसरी कॉपी मैं अभी बनाती हूँ, फिर देखती हूँ अभी टाइम होगा तो ब्लॉग एडिट करने के बाद बनाऊंगी वरना। और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आते रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं दीक्षा मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में, तब तक लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय।